और आपके साथ अपनी एकता प्रकट करने आया। मुझे भाषण करना नहीं आता, थोड़ी बात मैं आप सबसे करता हूं। आप सब टीवी देखते हैं, टीवी में रात में एक व्यक्ति रोज नए नए कपड़े पहनकर, शायद नया नया क्रीम भी लगाकर आता है। वो कहता है कि शाहीन बाग में जामिया में जो महिलाएं बैठी हैं उनको रोज 700 रुपया मिलता है। ठीक है, बहन जी ने कहा कि मैं तुमको 1000 रुपया देता हूँ, तुम आके बैठो यहाँ। ये बदतमीजी की भाषा है, बदतमीजी की भाषा है। पता नहीं कांग्रेस में था क्या समझते हैं आपसे, हमारी माँ बहनों को किराए पर बैठती है यहाँ पे। बदतमीजी की भाषा है, इसे देश स्वीकार नहीं करेगा। और किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारी माँ बहनों को पैसे पर खरीद के सड़क पर बिठा दे। अपने देश में आजकल दो दाढ़ी वालों की चर्चा बहुत है, एक 5 साल पहले से है, एक अभी साल आ गया। दूसरे दाढ़ी वाले ने कहा कि जिनको आजादी चाहिए वो पाकिस्तान चले जाए, यानी जिसको गुलामी चाहिए वो भारत में रहे, हम गुलामी चाहने वाले लोग हैं। ये एक और बदतमीज है। वो दाढ़ी वाला आप जानते हैं, नया नया आया है, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, गुजरात की अदालत ने उस व्यक्ति को, गुजराती में एक शब्द है तड़ी पार, गुजरात से निकाल दिया था 4-2.5 साल के। हमारे राजनेताओं ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, मौलाना आजाद ने, महात्मा गांधी ने, जाकिर हुसैन ने, शाहरुख खान ने बड़ी मेहनत से 200 वर्षों की गुलामी से देश को आजाद किया। हम ये पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे बाप दादा कहाँ थे जब देश की आजादी चल रही थी। ये बहन जी ने कहा कि अंग्रेजों के जूते, सीख बात है, आपकी बात सच्ची है, पूरी तरह सच्ची है। 6 बार माफी मांगी साबित कर ले, 6 बार, और कहा कि मुझे छोड़ दिया गया तो मैं सातारा जिले से बाहर नहीं जाऊंगा। अब ये देशभक्त हो गए हैं, अंग्रेजों के मुखबिर का काम करते थे, आज देशभक्त हो गए हैं। किसको मिला था परमवीर चक्र? अब्दुल हमीद का नाम सुना है ना आपने, भूलेगा नहीं देश अब्दुल हमीद को, जिसने मिलाया था दिवाली से ईद को। जब पाकिस्तान की लड़ाई इसके साथ 1965 में लड़ाई हुई, अपने जान की बाजी लगाकर अब्दुल हमीद और दूसरे कितने लोगों ने, तो अब्दुल हमीद को याद नहीं करते, तो सावरकर को याद करते हैं। लेकिन सावरकर के याद करने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ कि सन 2000 तक आरएसएस के ऑफिस में तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता था, जनगणमन नहीं गाया जाता था। मुझे बड़ा फख्र है कि हमारी भाई बहन आजादी के इस तिरंगे को, झंडे को नारा रहे। हमारे सामने मौलाना आजाद है, डॉक्टर अम्बेडकर है, जाकिर हुसैन है, और कितने लोग हैं। ये किसी मस्जिद के मौलाना नहीं थे, ये लोग फैला रहे हैं, ये लोग मुसलमान का प्रचार कर रहे हैं। ये आजादी के दीवाने थे, आजादी के लिए लड़ने वाले थे, पूरी जिंदगी लगा दी। तो जरा मैं एक और बात कहना चाहता हूं, तो आम लोग से बहुत नहीं कही जाती है, वो ये है कि अभी पिछले साल अभी पहले दाढ़ी वाले ने रामलीला मैदान में कहा कि भारत में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है। डिटेंशन सेंटर जानते हैं ना, जेल का दूसरा नाम है, नया नाम है, जेल का नया नाम डिटेंशन सेंटर। तो असम में कोकराझार नाम का एक जिला है, कोकराझार जिले से
एक मधुमाला मंडल नाम की महिला को 3 साल के बाद छोड़ दिया गया। अदालत ने कहा कि तुमने इस महिला को निर्दोष गिरफ्तार करके पकड़ लिया। उससे 3 साल पहले वो चिरांग जिले में रहने वाली थी। पुलिस एक वारंट लेकर गई, मधु रीता दास नाम के महिला को वहाँ की सरकार ने विदेशी घोषित कर दिया, कहा उसको पकड़ कर लेगा। तो मधुमिता दास नाम की महिला को गिरफ्तार करने पुलिस गई तो पता चला कि 4 साल पहले मर गई थी। तो मधुमाला को गिरफ्तार कर लिया। और वो इतनी गरीब थी कि रोज कमाती थी, रोज खाती थी। उसको जेल में बंद कर दिया, उसकी सुनवाई कर सके, कोर्ट में जा सके, इतने पैसे नहीं थे। 2 साल के बाद एक कार्यकर्ता को पता चला तो उसने कोर्ट में केस फाइल किया और 3 साल के बाद कोर्ट ने कहा कि यह निर्दोष है। और उसमें उसका पूरा परिवार उजड़ गया था, उसका पति छोड़ दिया, उसकी बेटी बहरी और मोगी थी, उसका घर उजड़ गया। और जब जेल से छोड़ा तो अपने घर जा सके इतने पैसे नहीं। तो बहनों ऐसे 50 लोग डिटेंशन सेंटर में मर गए। अब कहते हैं डिटेंशन सेंटर है नहीं तो मधुबाला मंडल को छोड़ा कहां से। एक प्रधानमंत्री एक गरिमा का पद होता है, कुछ नहीं बोलते हो, झूठ बोलते हो। और ये लोग इनके जो पूर्वज है वो हिटलर है। हिटलर का एक प्रचार मंत्री था गोबल्स, वो कहता था कि झूठ को भी 100 बार बोलोगे तो सच हो जाएगा। लेकिन जनता अब जाग गई, तुम्हारे झूठ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। हम लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। हम आप सब यहाँ बैठे हैं किसी नौकरी की मांग के लिए बैठे हैं क्या? क्यों बैठे हैं? आप कहेंगे कि हमारे आईन की हम रक्षा करेंगे, हमारे संविधान की रक्षा करेंगे और इस तिरंगे झंडे की रक्षा करेंगे। आप नौकरी मांगने नहीं आए हैं, घर मांगने नहीं आए हैं, आधार कार्ड में लाइन लगाने नहीं आए हैं। और आधार कार्ड की लाइन में और ये नोटबंदी की लाइन में तो आपने सैकड़ों लोगों को मार दिया। अब एक और नई लाइन बनाने बनाकर मान लिया। हमारे एक मित्र हैं, प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि असम में NRC बनाने में जितना समय लगा, यानी एक व्यक्ति में औसत 20 मिनट का समय लगा, तो पूरे देश की NRC बनाएंगे तो 65 साल लगेंगे। 65 साल उस समय मोदी का बाप होगा। 65 साल लगेंगे और उसके पैसे उसके जेब से खर्च नहीं होंगे, आपके हम सबके पसीने की कमाई से पैसे, कितने 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फखरुद्दीन अली अहमद के परिवार के लोगों को विदेशी घोषित कर दिया गया। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे, भारतीय सेना के एक अधिकारी को उसके परिवार को बिजनेस बंद कर, भारतीय वायुसेना के अधिकारी ये सिर्फ हिंदुओं के बात गलत है, मुसलमानों जो जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं, जो अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, ये कानून रूल सब के खिलाफ। भारतीय वायुसेना का अधिकारी हिंदू था, जो भारतीय सेना का अधिकारी मुसलमान, हिंदू और मुसलमानों में बांट रहे हो, वो सोचते हैं हिंदू मुसलमान में बांट देने से दिल्ली का चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन हवा क्या चल रही हो तो आपको मालूम है, हवा मालूम है आपको। और अभी अभी मुझे समाचार बताया गया, अभी शाहीनबाग में एक बुरका पहने हुई महिला ने प्रवेश किया, क्या देखा अभी थोड़ी देर पहले। तो बदनाम हो तो मुस्लिम बदनाम हो, बुरका पहन के गई थी अधिकार देखा अभी पकड़ी गई थोड़ी देर पहले। ये किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए सौभाग्य की बात है। तो हम सब एक बड़े उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं। अंत में एक गीत गाऊंगा जो गीत नहीं है, आप सब दोहराएंगे, मैं कहूंगा फिर आप कहेंगे। चलो गीत गाओ, चलो गीत गाओ, कि गागा के दुनिया को सिर पर उठाओ। अगर गा न पाए तो हल्ला करेंगे, अगर गा न पाए तो हल्ला करेंगे। इस हल्ले में मौत आ गई तो मरेंगे,
इस हल्ले में मौत आ गई तो मरेंगे, कई बार मरने से जीना बुरा है, कि गुस्से को हर बार पीना बुरा है, कि गुस्से को हर बार पीना बुरा है। बुरी जिंदगी की वो न अपनी बचाओ, बुरी जिंदगी को न अपनी की इज्जत के पैरों पे इसको उठाओ। चलो गीत गाओ, चलो हम हमारे भारत के हर नागरिक की जब चाहते हैं, देश की जब चाहते हैं, और किसी भी सूरत में जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सब